गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्पेयर के इस वीडियो में आज हम आपको टेंजेंट की एक इक्वेशन का सवाल कराएंगे और साथ में कुछ स्पेशल आर्टिकल्स भी कराएंगे तो हम स्टार्ट करते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टू टेंजेंट प्लेन टू द स्पेयर दिस विच पासिस थ्रू द लाइन दिस यानी कि गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सिक्सटीन के उन दो स्पर्श समतलों के समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव एंड एक्स माइनस टू जेड इक्वल टू सेवन से गुजरते हैं अब द गिवन इक्वेशन ऑफ स्पेयर इज हमें क्या दिया हुआ है गोले का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सिक्सटीन एंड द इक्वेशन ऑफ लाइन्स आर वो हमको दी हुई है एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव एंड एक्स माइनस टू जेड इक्वल टू सेवन अब इक्वेशन नंबर ये वन है हमारी और ये हमारी वन है और ये हमारी टू है अब इक्वेशन नंबर टू से गुजरने वाले प्लेन का क्या समीकरण होगा हमारा नाउ इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन थ्रू सेकेंड इज हम कैसे निकालते हैं लाइन को लिख लीजिए पहले माइनस फाइव प्लस लैमडा लगा करके दूसरी लाइन को लिख देंगे तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाता है टू जेड माइनस सेवन इक्वल टू जीरो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया एक्स इस टर्म को इस टर्म को एक साथ लेंगे तो एक्स बाहर निकाल देंगे वन प्लस लेमडा प्लस वाई माइनस ट्वाइस लेमडा जेड माइनस फाइव सॉरी माइनस फाइव माइनस सेवन लेमडा को हम माइनस को बाहर निकाल देते हैं तो माइनस ऑफ फाइव प्लस सेवन लेमडा इक्वल टू जीरो अब ये इक्वेशन नंबर हमारी थ्री हो गई जो कि हमारी प्लेन की इक्वेशन है नाउ इक्वेशन थ्री विल टच इक्वेशन नंबर वन तो जो इक्वेशन नंबर थ्री है ये प्लेन की इक्वेशन अगर ये इसको टच करती है तो हमें पता है इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ थ्री फ्रॉम सेंटर वन इक्वल टू रेडियस ऑफ वन अब इक्वेशन नंबर वन में इक्वेशन नंबर वन में सेंटर क्या है हमारे पास में जीरो जीरो एंड जीरो एंड रेडियस इज इक्वल टू फोर है तो इसलिए हम इसको यहाँ पर लिखते हैं प्लेन की इक्वेशन को तो प्लेन की इक्वेशन हमारे पास में है एक्स इंटू वन प्लस लेमडा प्लस वाई माइनस ट्वाइस लेमडा जेड माइनस फाइव प्लस सेवन लेमडा अपॉन अंडर दी रूट ऑफ वन प्लस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस माइनस टू लेमडा का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस ये होता है हमारे पास में तो हम इस इसमें सेंटर से पास करा देते हैं एक्स वाई जेड इक्वल टू ज़ीरो रख देंगे या ज़ीरो इंटू वन प्लस लेमडा प्लस ज़ीरो माइनस ट्वाइस जेड लेमडा इंटू ज़ीरो माइनस फाइव माइनस सेवन लेमडा अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस वन प्लस फोर लेमडा इक्वल टू फोर और दैट इम्प्लाइज ये हुआ हमारे पास में माइनस फाइव माइनस सेवन लेमडा अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस टू लेमडा प्लस वन प्लस फोर लेमडा स्क्वायर इक्वल टू फोर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे स्क्वायर बोथ साइड एंड क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट फाइव प्लस सेवन लेमडा का होल स्क्वायर इक्वल टू सिक्सटीन इंटू फाइव लेमडा स्क्वायर प्लस टू लेमडा प्लस टू ये हमारे पास में आ गया अब हाँ अब हम इसको सिंप्लीफाई जब कम करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा ट्वेंटी फाइव प्लस फोटी नाइन लेमडा स्क्वायर प्लस सेवेंटी लेमडा इक्वल टू एटी लेमडा स्क्वायर प्लस थर्टी टू लेमडा प्लस थर्टी टू और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन होगी थर्टी वन लेमडा स्क्वायर माइनस थर्टी एट लेमडा प्लस सेवन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारी लेमडा में तो इससे हमारे पास में लेमडा की दो वैल्यूज़ आ जा जाएगी इसको हम गुणनखंड करके निकालेंगे थर्टी वन लेमडा स्क्वायर माइनस थर्टी वन लेमडा प्लस सॉरी माइनस सेवन लेमडा माइनस सेवन लेमडा प्लस सेवन इक्वल टू ज़ीरो दैट इम्प्लाइज थर्टी वन लेमडा बाहर निकाल दिया हमने तो यहाँ पर हमारे पास में आया लेमडा माइनस वन माइनस सेवन बाहर निकाला लेमडा माइनस वन विच इज इक्वल टू ज़ीरो दैट इम्प्लाइज थर्टी वन लेमडा माइनस सेवन एंड लेमडा माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो दैट इम्प्लाइज लेमडा इक्वल टू हमारे पास में आया वन एंड सेवन अपॉन थर्टी वन अब पुट द वैल्यू ऑफ लेमडा इन इक्वेशन नंबर थ्री अब थ्री में जब हम इसको रखेंगे तो हमारी इक्वेशन नंबर थ्री ये वाली है इसमें हम यहाँ पर एक्स वाई और जेड तो ऐसे कैसे रहने देंगे और लैमडा की वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो लेमडा की वैल्यू जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास में आएगा पहले एट लैमडा इक्वल टू वन एक्स इंटू वन प्लस वन प्लस वाई माइनस ट्वाइस इंटू वन इंटू जेड माइनस फाइव प्लस सेवन इंटू सॉरी फाइव प्लस सेवन इंटू वन इक्वल टू जीरो दैट एम्प्लाइज टू एक्स प्लस वाई माइनस टू जेड माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो ये हमारी एक इक्वेशन हुई प्लेन की इसी तरह से दूसरी इक्वेशन एटलैमडा इक्वल टू सेवन अपॉन थर्टी वन एक्स इंटू वन प्लस सेवन अपॉन थर्टी वन प्लस वाई माइनस टू इंटू सेवन अपॉन थर्टी वन इंटू जेड माइनस फाइव प्लस सेवन इंटू सेवन अपॉन थर्टी वन विच इज इक्वल टू जीरो दैट इम्प्लाइज थर्टी एट अपॉन थर्टी वन एक्स प्लस वाई माइनस फोर्टीन अपॉन थर्टी वन जेड माइनस वन फिफ्टी फाइव प्लस फोर्टी नाइन अपॉन थर्टी वन इक्वल टू ज़ीरो दैट एम्प्लाइज थर्टी एट एक्स प्लस थर्टी वन वाई एल ले लिया हमने माइनस फोर्टीन जेड माइनस टू ज़ीरो फोर इक्वल टू जीरो तो ये हमारी इक्वेशन नंबर दो ही तो so, ये हमारे पास में सॉरी ए और बी इसको दे देते हैं हम तो so, ये ए और बी ये दो इक्वेशन हमारी रिक्वायर्ड इक्वेश्स ऑफ द प्लेन होती है अब हम कुछ आर्टिकल्स करेंगे टेंजेंट लाइन एट एनी पॉइंट ऑन द स्पेयर इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट हमें क्या बताना है कि जो हमारे पास में एक गोला होता है ये हमारे पास में एक स्पेयर है इस स्पेयर पे सपोज़ ये कोई पॉइंट है पी इस पॉइंट पे अगर हम कोई भी रेखा खींचे जो हमारी स्पर्श रेखा है उस स्पर्श रेखा को अगर हम सेंटर से मिलाएं तो ये इसके हमेशा परपेंडिकुलर होती है तो ये हमें सिद्ध करना है तो सबसे पहले हम क्या है इक्वेशन ऑफ स्पेयर लिख दें तो हमने ये गोले की समीकरण लिख दी जो कि हम हमेशा से लिखते आए हैं यहाँ पर ये पी बिंदु पर इस गोले को टच करने वाली टेंजेंट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो अभी मैंने आपको पहले पढ़ाई थी वो लिख दी हमने यहाँ पर अब इस लाइन में हम क्या देखते हैं कि डायरेक्शन को साइन जो है वो एल एम और एन है और पी एल्फा बीटा गामा है उस जो हमारे पास में स्पेयर है उसके जो इक्वेशन है उसके डायरेक्शन को साइन हमारे पास में पी एल्फा बीटा गामा है क्योंकि ये पॉइंट इस स्पेयर से पास होते हैं तो इसके टेंजेंट लाइन से भी पास होंगे तो इसके डायरेक्शन को साइन हो गए पी पॉइंट के एल्फा बीटा और गामा तो अब हम हमने क्या देखा कि जो पॉइंट पी से पास होते हैं उसके स्पेयर के डायरेक्शन को साइंस हो गए एल्फा प्लस यू बीटा प्लस वी एंड डब्ल्यू गामा प्लस डब्ल्यू अब हमें पता है कि जब किसी दो रेखाओं के डायरेक्शन को साइंस को अगर हम आपस में गुणा करें और गुणा करने के बाद में वो जीरो के बराबर आ जाए तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ये आपने छोटी क्लासों में इलेवन ट्वेल्थ में पढ़ा हुआ है तो यहाँ पर हम देखिए गुणा करते हैं एल इन एक डायरेक्शन को साइन है एल एल यहाँ पर और यहाँ पर है एल्फ़ा प्लस यू दूसरा है एम बीटा प्लस वी तीसरा है एन गामा प्लस डब्ल्यू इनको जब हमने गुणा करा तो ये जीरो के बराबर आ रहा है जो कि हमारे टेंजेंट की इक्वेशन है तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि, कि किसी गोले की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है तो ये इस परपेंडिकुलर हो गई और ये इसके रेडियस के बराबर हो गई या ये यहाँ सेंट्रल से लेकर यहाँ तक ज्वाइन किया तो ये इसकी रेडियस के बराबर हो गई अब हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं दूसरा केस है हमारे पास में टेंजेंट प्लेन एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट अब यहाँ पर हम प्लेन के लिए करेंगे कि मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन क्या है हमारे पास में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट पी एल्फा बीटा एंड गामा जो ये हमारा एट पॉइंट ए लिखा है यहाँ पर हमने एट पॉइंट ए एल्फा बीटा गामा है तो इसके ऊपर हमारे टेंजेंट प्लेन की समीकरण मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाई थी एल्फ़ा प्लस यू इंटू एक्स प्लस बीटा प्लस वी इंटू वाई प्लस गामा प्लस डब्ल्यू इंटू जेड प्लस यू एल्फा प्लस वी बीटा प्लस डब्ल्यू गामा प्लस डी इक्वल टू जीरो ये हमारी टेंजेंट प्लेन की समीकरण होती है और इसके डायरेक्शन को साइंस क्या होंगे एक्स वाई जेड के कोफिशंट्स होंगे तो ये अल्फा प्लस यू इसका डायरेक्शन को साइन है बीटा प्लस वी एंड गामा प्लस डब्ल्यू इसके डायरेक्शन को साइन है साथ ही जो पॉइंट हमारा ए है इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फा बीटा गामा ये गोले के जो सेंटर के सेंटर है इसके जो कोऑर्डिनेट्स है माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू को मिलाने वाली जो त्रिज्या है ये जो त्रिज्या है इसके भी डायरेक्शन को साइन हो गए क्योंकि डायरेक्शन को साइन दिस माइनस दिस होता है इसका तो यहाँ पर अल्फा माइनस ऑफ माइनस यू विच इज़ इक्वल टू अल्फा प्लस यू यहाँ पर बीटा प्लस वी एंड गामा प्लस डब्ल्यू तो दोनों के डायरेक्शन को साइन सेम हो गए अतः हम ये कह सकते हैं कि त्रिज्या जो हमारी है ये टेंजेंट प्लेन के पैरेलल है अर्थात टेंजेंट प्लेन इस स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या के लंबवत है दैट इज जो हमारा स्पेयर का सेंटर है और जो टेंजेंट प्लेन की जो लंबिक दूरी है या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो त्रिज्या के बराबर होती है अब हम पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यानी स्पर्शता का प्रतिबंध अब जैसे आपने ट्वेल्थ में पढ़ा था कि दो लाइनों की प्रतिबंध क्या होता है स्पष्टता का कि परपेंडिकुलर की जो उसके डायरेक्शन को साइंस होते हैं उनको आपस में गुणा करो तो वो ज़ीरो के बराबर होते हैं इसी तरह से हम यहाँ पर स्पेयर और लाइन के टेंजेंसी का जो प्रतिबंध है वो निकालेंगे तो टू फाइंड द कंडीशन दैट द प्लेन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी मे टच द स्पेयर दिस इक्वल टू ज़ीरो तो हमें वो कंडीशन निकालनी है जिसमें कि ये समतल हमारा इस गोले को टच करे उसकी हमें कंडीशन निकालनी है तो हम उसकी कंडीशन निकालने के लिए क्या करेंगे हम निकालेंगे जो हमें गोला दिया हुआ है सपोज़ हमारे पास में ये एक स्पेयर है इसका ये सेंटर है तो सेंटर क्या है माइनस यू माइनस वी एन माइनस डब्ल्यू और इसकी त्रिज्या कितना हो जाती है सेंटर ऑफ स्पेयर माइनस यू माइनस वी एंड माइनस डब्ल्यू एंड रेडियस इज इक्वल टू हो जाता है जो हमने पिछले वीडियोज में में भी पढ़ा है और ये आपको पता है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी अब हम हमें क्या करना है कि एल एम एन और पी एल एम एन और पी एंड यू वी डब्ल्यू एंड डी में हमें संबंध ज्ञात करना है जिससे कि जिसके सच होने पर हम ये कहें कि ये जो लाइन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन पी इज इक्वल टू पी ये दिए हुए गोले को स्पर्श करती है सपोज हमने यहाँ पर ये लाइन खींची ये बिंदु पी है हमारा तो ये इसको टच करती है अब हमारे पास में जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी लाइन जब उसको टच करती है उससे जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये ये जो प्लेन है सॉरी ये प्लेन को टच करना है तो हम इस प्लेन के लिए ये तो पॉइंट टेंजेंट लाइन का है और हम यहाँ पर ये एक प्लेन है तो ये ऐसे ही यहाँ पर यह टच करेगा यहाँ पर यह टच करता है प्लेन के अंदर ये, ये हम यहाँ पर इस इस पॉइंट को पी मान लेते हैं ये हम यहाँ पर पॉइंट पी मान लिया तो ये हमें ये पता है जो हम इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो यहाँ पर अगर कोई पॉइंट पी है तो उसके स्क्वायर के बराबर होती है जो हमने ये पिछली बार एक इस तरह से सर्कल निकाला था प्लेन के काटने से जो हमने उसके निकाली थी उसी तरह से उसको हम यहाँ पर वापस से लिखेंगे तो स्पष्ट है कि जो हमारा प्लेन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी ये हमारा ये प्लेन है तो ये इस दिए हुए गोले को स्पर्श करेगा स्पेयर को स्पर्श करेगा यदि इसके गोले के जो सेंटर पॉइंट है इसे समतल पर डाले गए लंब की लंबाई गोले की त्रिज्या के बराबर हो तो ये बराबर कितना हो जाएगा माइनस यू एल माइनस वी एम माइनस डब्ल्यू एन माइनस पी अपॉन ये हमने सेंटर से पास कराया है इसको माइनस यू माइनस वी एन माइनस डब्ल्यू से अंडर रूट ऑफ क्या होता है एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर तो ये हो गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये किसके बराबर होता है त्रिज्या के बराबर तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी जब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा दोनों तरफ से स्क्वायर कर देंगे हम तो ये आएगा यू एल प्लस वी एम प्लस डब्ल्यू एन प्लस पी का होल स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी ये हमारा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी तो किसी भी प्लेन का किसी भी गोले को स्पर्श करने का जो प्रतिबंध है वो प्रतिबंध हमारा ये होता है ये या आपको याद रखना है जब क्वेश्चन में पूछेंगे तो आपको बताना है तो इस तरह से मैंने आपको आज स्पेयर के तीन चार आर्टिकल्स कराए हैं उनको आप समझिए उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन कराएंगे और उन क्वेश्चन से फिर आप खुद एक्सरसाइज़ के क्वेश्चन करिए थैंक यू